Assalamualaikum everyone, this is Junaid from Junaid Tech. आज की इस वीडियो में हम Xiaomi Redmi 9 और Oppo A12 का स्पीड टेस्ट और कंपैरिजन करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं Redmi 9 की, तो इस मोबाइल में हमें 3GB की रैम देखने को मिलती है, 32GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है। Oppo A12 में भी हमें 3GB की रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है। दोनों मोबाइल के बॉटम की बात करें तो Redmi 9 में हमें USB टाइप सी देखने को मिलती है और Oppo A12 में हमें माइक्रो USB 2.0 दी गई है। दोनों मोबाइल के स्पीकर बॉटम पर लगाए गए हैं और यहाँ पर दोनों मोबाइल्स के 3.5mm ऑडियो जैक्स भी बॉटम पर लगाए गए हैं। दोनों मोबाइल के राइट साइड की बात की जाए तो Redmi 9 में हमें पावर बटन और वॉल्यूम लॉकर कीज़ देखने को मिल जाते हैं और Oppo A12 में हमें पावर बटन देखने को मिलता है। और अगर यहाँ पर Redmi 9 के टॉप की बात करें तो यहाँ पर हमें नॉइस कैंसिलेशन माइक देखने को मिल जाता है और यहाँ पर Oppo A12 की जो टॉप है वो खाली है। और अगर लेफ्ट साइड की बात करें तो लेफ्ट साइड पर हमें Oppo A12 में हमें वॉल्यूम लॉकर कीज़ देखने को मिलते हैं और सिम ट्रे दी गई है। और यहाँ पर हमें Redmi 9 में सिम ट्रे देखने को मिलती है और दोनों मोबाइल के फ्रंट पर हमें सिंगल सेल्फी शूटर कैमरा देखने को मिल जाता है। और अगर रियर की बात करें तो Redmi 9 में हमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है और साथ में एक फिंगरप्रिंट लगाया गया है और एक LED फ्लैश दी गई है। और Oppo A12 में हमें ड्यूअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, यहाँ पर एक LED फ्लैश और फिंगरप्रिंट रियर पर लगाया गया है। तो दोनों मोबाइल्स को मैं रिस्टार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों को मैंने रीस्टार्ट कर दिया है और देखते हैं कि पहले कौन सा मोबाइल बूट अप होता है। और अगर आप इसी तरह की स्पीड टेस्ट और कंपैरिजन वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जो भी न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Oppo A12 पहले स्टार्ट हुआ है, तो देखते हैं कि पहले कौन सा मोबाइल बूट अप होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Redmi 9 पहले स्टार्ट हो गया है और कुछ ही सेकंड्स के बाद Oppo A12। तो यहाँ पर कुछ एप्लीकेशंस मैंने रखी हैं, आज इन एप्लीकेशंस को टेस्ट करेंगे और देखते हैं कि कौन सा मोबाइल फास्ट है। तो सबसे पहले सेटिंग्स, तो यहाँ पर दोनों सेम हैं, तो अबाउट फोन Redmi 9 में हमें एंड्रॉयड 9 लेटेस्ट वर्जन देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और Oppo A12 में हमें एंड्रॉयड 9 पाई देखने को मिलता है। तो इसके बाद क्रोम, यहाँ पर A12 आगे है। इसके बाद प्ले स्टोर, तो यहाँ पर Redmi 9 आगे है। इसके बाद YouTube, तो यहाँ पर A12 आगे है। इसके बाद दराज, यहाँ पर A12 आगे है। इसके बाद ज़ेप्या, तो यहाँ पर Oppo आगे है। इसके बाद कैमरा, तो यहाँ पर भी Oppo आगे है। इसके बाद टिकटॉक, A12 आगे है। इसके बाद स्नैपचैट, तो दोनों सेम हैं यहाँ पर। इसके बाद MX प्लेयर, Oppo आगे है। इसके बाद इंस्टाग्राम, तो यहाँ पर भी Oppo आगे है। इसके बाद फोटोशॉप एक्सप्रेस, तो यहाँ पर भी Oppo आगे है। इसके बाद लाइट रूम, यहाँ पर भी Oppo आगे है। स्नैपसीड, दोनों सेम है यहाँ पर। लास्ट एप्लीकेशन है साउंड क्लाउड, तो इसको भी ओपन करके देख लेते हैं, तो यहाँ पर भी Oppo आगे है। तो आज के वीडियो के रिजल्ट्स की बात करें तो यहाँ पर जो विनर है वो Oppo A12 है। Redmi 9 में हमें 3GB की रैम देखने को मिलती है, लेकिन इस मोबाइल में भी हमें 3GB की रैम दी गई है, लेकिन यहाँ पर जो विनर है वो Oppo A12 है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।